फिरोजाबाद में भारतीय सवर्ण संगठन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष के सानिध्य में किया गया। इसका उद्देश्य दिनांक 8 अगस्त दिन बुधवार को सरकार द्वारा थोपे जा रहे अन्य कानून का विस्तार के साथ सवर्णों को समझाया जाएगा। एक मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। वार्ता में प्रमुख रूप से कौशल किशोर उपाध्याय, श्रीनिवास गुप्ता, संजय गुप्ता, रामकृपा गोभी, रविलाल तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सोहा सिंह की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। लोगों को मालूम ही है, हम प्रतिवर्ष जो मूक बधिर और अंधी सरकारें हैं उनको कहना चाहते हैं कि आप लोग जिन सवर्णों ने देश के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, जब देश गुलाम था उस समय सवर्ण बहुत सुरक्षित था और सम्मानित था, लेकिन जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ है उल्टा हो गया, सवर्णों के लिए विनाश लीला शुरू हो गई। इनके लिए ऐसे अंधे कानून बन चुके हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं चल रहे। 10 वर्ष के लिए आरक्षण था, उसको निरंतर बढ़ा रहे हैं तो असंवैधानिक हो जाता है। इसके अलावा संशोधन पर संशोधन कर रहे हैं, जिन संशोधनों की वजह से सवर्ण विनाश की तरफ जा रहा है, ऐसे संशोधनों को ये सरकारें कर रही हैं। और हम लोग कभी आरोप लगाएंगे कि ये सपा बुरी है, बसपा बुरी है, भाजपा बुरी है, कांग्रेस बुरी है, ये सभी ही बुरी हैं। दलित पिछड़ों के अलावा ये सवर्णों की कोई बात करना नहीं चाहती। इस वजह से भारतीय सवर्ण संगठन प्रतिवर्ष, आपने देखा था मंडल आयोग की सिफारिशें जब शुरू हुई तब और ज़्यादा सवर्णों की विनाश लीला शुरू हो गई। तो हम प्रतिवर्ष, हमारे सैकड़ों भाई आत्मदाह कर गए, बीपी सिंह जैसे लोग जो सवर्ण हैं और आज भी जो हमारे केंद्र में सवर्ण बैठे हैं, ये इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम कहते हैं माननीय राजनाथ सिंह, अरुण जेटली जी, ये इन्होंने जिंदा लाश बनाने में लगे हुए हैं। दलित पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, अंधे कानून बना रहे हैं। आपने देखा होगा 81वां संविधान संशोधन हुआ, वो किसने किया? 81वां संविधान संशोधन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। 82वां संविधान